समाचार के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, नाम ही पहचान है, एक बार अवश्य पधारे। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक को मारी गोली, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुजफ्फरपुर में बेकौफ अपराधियों का तांडव जारी है। काजी मोहम्मदपुर इलाके में बीते एक सप्ताह के भीतर दो गोलीबारी की घटना हुई है। एक की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं कि दूसरा गोलीबारी की घटना हो गई। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर दो गोलीबारी की घटना हुई है। यासीर हत्याकांड मामले को अब तक पुलिस ने पूरी तरह से खुलासा भी नहीं किया है कि दूसरी गोलीबारी की घटना घट गई, लेकिन यह मामला पहले से भिन्न है। यह मामले में आपसी रंजस में गोलीबारी की घटना को अंजाम देना बताया जा रहा है। दरअसल जियाउर रहमान सतपुरा के मिल्की टोला का रहने वाला है, उसे बीती रात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली जियाउर रहमान के पेट में दाहिने तरफ कमर के थोड़ी ऊपर लगी है। गोली अभी भी शरीर में ही फंसी हुई है। पुलिस अभी जांच कर रही है और किसी भी तरह के अन्य मामले से इनकार कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जांच के उपरांत पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है। घटना के संबंध में घायल व उसके परिजनों ने बताया कि अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी है। लगभग 1 बजे जो है वो दो आदमी जो है, एक आदमी बाहर था, दो आदमी छत पर से सीढ़ी से आया है हमारे कैंपस, हम मेरे घर के अंदर आया है। तो मेरे फादर इन लॉ, उनका एक दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, तो वो बेड पे थे हॉल में। मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ, छोटा ब्रदर इन लॉ जो है वो जागे हुए थे। तो उन लोगों ने जब देखा तो कहा कौन हो, घर में कैसे घुसा? तो उसने कहा कि तुम ही आरिज हो, कह के उसने गोली चला दिया। तो गोली चलाया तो ये लड़का साइड हट गया, गोली लगी नहीं। उसके बाद अब सोचा कि अब मार ही देगा, तो इसने उस पर अटैम्प्ट किया पकड़ने के लिए। अटैम्प्ट किया तो उसने दूसरी गोली चलाई, तो दूसरी गोली पेट से होते हुए जांघ में यहाँ पे लगी। उसके बाद वहीं पे बगल में फ्रीज रखा हुआ था, किचन सामने था, फ्रीज पकड़ के ये गिर गया। उसने दो गोली और चलाई जो नहीं लगी इसको, उसके बाद गेट खोल करके वो भाग गया। कितने लोग थे? दो लोग थे सर, अंदर एक बाहर। गोली उनको लग गया आपके साला को? जी सर। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद सर तो हम हंगामा हुआ, हम आए अपने रूम से, हमने देखा तो हमने देखा कि वो भाग रहा है साइड से, मेन गेट में। नहीं सर, उधर कैमरा नहीं था उस साइड में। किस मोहल्ले का घटना है? सातपुरा मिल्की टोला। अच्छा, ये ऑपरेशन कराने के लिए आए हुए? जी सर। अच्छा, पहचाने कौन लोग का? देखिए, मेरे साला और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, अगर उसको देख लेंगी या फोटो कहीं देख लेंगी तो पहचान लेंगी। आपसे किसी का दुश्मनी वगैरह है? सर अभी रिसेंटली जमीन का एक झगड़ा हुआ था, तो उसमें हम लोग नापी उपी करा के, मजिस्ट्रेट बहाल करा के हम लोग ने बाउंड्री उन्डी कराया था। लेकिन उसके जस्ट बाद दूसरे दिन मेरा लेबर जो है पानी वानी पटा रहा था, तो उस पर एसिड अटैक किया था उसने, तो वो जेल चला गया। कहाँ पर का मामला है? सातपुरा मिल्की टोला का है सर। अच्छा, कब्जा चलिए रहे जमीन का? नहीं, वो नापी हुआ था, कब्जा तो मेरा वो किया ही हुआ, बचे हुए जमीन पे हम अपना बाउंड्री कर रहे थे। उसी का रंजित लगता है? अब ये हम पूरी तरह से नहीं कर सकते। विवाद चला था जमीन का? अली इमाम अंसारी है। ये दूसरी घटना जो हुई है गोलीबारी की, ये काजी मोहम्मदपुर इलाके के सातपुरा में हुई है। घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है, लेकिन गोलीबारी की घटना पुलिस की रहते हुए कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि दोनों मामलों का खुलासा काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस कब तक कर पाती है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर।